अभिषेक ने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, मैम इन माय लेफ्ट जबड़ा और व्हेन आई ईट फूड कट कट की आवाज आती है, जब आप चबाते हो तो लेफ्ट साइड पे कट कट की आवाज आती है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है यानी आपका जबड़ा और आपके ऊपर की जो खोपड़ी है वो जो जॉइन होती है, आपको ये तो पता होगा ना कि आपका जो जबड़ा है वो लूज है, वो कोई अटैच नहीं है, ये यहाँ पे जॉइन हुआ रहता है, वो एक जॉइंट की तरह जैसे आपका नी जॉइंट है वैसे यहाँ पे जॉइन हुआ रहता है आपकी खोपड़ी के साथ। तो वो जॉइंट को हम लोग टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं या TMJ कहते हैं। तो जब आपको वहाँ पे वो जॉइंट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसकी वजह से कट कट आवाज आती है। स्पेशली ये कॉमनली देखा गया है जो बहुत ज़ोर से अपने दांत ऐसे यू नो एंग्जाइटी की वजह से, या किसी किसी को दांत अपने ज़ोर से दबाने की आदत होती है, बहुत सारे लोगों को च्यूइंग गम खाने की आदत होती है, च्यूइंग गम जो बहुत ज़्यादा खाते हैं 24 घंटे च्यूइंग गम चबाते रहते हैं, उनमें ये कंडीशन देखा जाता है। और थर्ड स्मोकिंग में भी ये देखा जाता है। तो ये अगर कोई कंडीशन आप कर रहे हो तो इसको बंद कर दीजिए। इसका सिंपल ट्रीटमेंट है, लोग जनरली एक एक्सरे निकाल लेते हैं जस्ट टू सी के वहाँ पे कोई ट्यूमर या कोई स्वेलिंग या ऐसे कुछ तो नहीं है, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, और उसके हिसाब से हम लोग एक एंटी इन्फ्लेमेटरी नॉर्मली कॉम्बिफ्लाम या उसका कोई कोर्स कर लेते हैं। एंड हम लोग पेशेंट को कहते हैं कि जो जॉइंट पे जहाँ पे आपको इस तरह से हो रहा है वहाँ पे या तो आप बर्फ़ का सेक कीजिए या फिर गर्म सेक कीजिए, आई थिंक 4 to 5 days में कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। अगर ये परसिस्ट करता है तो फिर उसके लिए हम लोग को स्प्लिंट देनी पड़ती है, एक तरह के ब्रेसेस आते हैं जो पहनने होते हैं और वो भी उससे भी ठीक हो जाता है। और अगर आपको मोर देन 3 months के ड्यूरेशन से इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए फिर आपको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज है जिसमें आपको मुंह खोलना है, फिर आपको बंद करना है, फिर बहुत सारी एक्सरसाइजेज है। तो ऑल दीज थिंग्स यू विल हैव टू डू।